अमेठी, क्योंकि ये नाम से ही जाना जाता है। अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। जहाँ हमारे बगल में बैठी विधायिका है वो जीती, दूसरे विधायक भी हमारे जीते, दूसरी बार के विधायक हो गए, तीसरी बार के विधायक हैं हमारे। मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ और जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं है। अभी सदन खत्म हुआ और दिल्ली की सरकार में आपने बहुत करीब से देखी होगी, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो जो सवाल उठाए उसका एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सरकार उनसे पूछे, सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर दो पर पहुंचा और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों, 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर एक पे पहुंचेगा वो आज पता नहीं कहां पर है। LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है जो LIC SBI में पैसा डूबा है, जिनके कारण डूबा है, जिसके फैसले से डूबा है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन MP है? बीजेपी के MP। यहाँ से MP कौन है? बीजेपी के MP। वही बीजेपी की MP जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली MP, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे, पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी, बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है बाजार में? आटे की कीमत बाजार में क्या है? रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है? दालों की कीमत बाजार में क्या है? और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रही है? न खाद समय पर, न DAP समय पर, न कीटनाशक दवाइयां समय पर, इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। आय बोलते थे दोगुनी कर देंगे आय, आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी? महंगाई बढ़ गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं, किसी गांव में आप घुस जाइए चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी, अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही।